कौन से होती ना बंद। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा चालू है? 7.2 का लाए हो ना सबने ग्राफ। चलो ग्राफ निकाल लो। प्रैक्टिस सेट 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। बुक दे दो, एक बुक दे दो कोई। ऑन अ ग्राफ पेपर क्या बोला क्वेश्चन 7। ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट ए 2.3, बी पॉइंट डी है 6.-1 और सी दिया है 0.5। इफ दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? देन ड्रॉ द लाइन विच इंक्लूड देम, देन ड्रॉ द लाइन विच इंक्लूड देम। मतलब अगर वो तीनों पॉइंट्स एक कोलिनियर होंगे तो अगर मैं ऐसी लाइन खींचूंगा तो तीनों एक ही लाइन के ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। और बाद में बोला है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और हमको ये भी बताने का है कि वो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो पता तभी चलेगा जब हम क्या क्या ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ, ठीक है। पट से बीच में से मार दो, प्लस साइन दो फटाफट, बड़े वाला प्लस साइन। ठीक है देखो, चलो इधर देखो। हाँ पहला पॉइंट क्या बोला उसने, देखो 2.3 क्या बोला पहला पॉइंट, ए दिया है 2.3। अब इसमें से 2 कौन सा एक कोऑर्डिनेट है और 3, तो 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो यहां पे आएंगे पॉइंट, ठीक है 2.3 हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है तुम लोगों को, लाइन खींच के बाद में भी नंबर लिखने में इतना समय लगता है भाई, फास्ट किया करो ना, फास्ट करो फटाफट। और डब्बे गिनने की क्या जरूरत है, सीधा दिखता है कि बीच में क्या आने वाला है। तो क्यों ना देखो, बीच में नहीं समझता क्या रे, अंधा है क्या तू? अब कर दिया है तो कर, ढक्कन जैसे कर रहा है। एक पेज में 2 आ जाएंगे तेरे, 6 होना अपने को, ऊपर 5 और नीचे 4 हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है फिर, टू कॉमा 3 हो गया। नेक्स्ट क्या है, 6.-1 क्या है, 6.-1, 6 इधर है और -1 नीचे है, तो यहाँ पे आएगा बी पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सी 0.5 यहाँ आएगा। तीनों पॉइंट से ऐसी लाइन खींचना है, खींचो लाइन खींचो। और बताओ, अरे पहले ऐसा पॉइंट ड्रॉ करो ना छोटी, पहले खींच रही हो तुम लाइन, पॉइंट ड्रॉ किया क्या अभी तक? फिर 3 पॉइंट दो पहले, ए ढक्कन पहले 3 पॉइंट देना, वैसे दिया गया 3 पॉइंट। प्लॉट देखना कहाँ पे कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, क्वेश्चन 7 में दिया है ना पॉइंट प्लॉट करने के लिए।
हाँ, अब जब तीनों पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे तो तीनों को मिला के एक सीधी लाइन खींचो। तीनों पॉइंट दिया क्या तुमने? दिखा कहाँ दिया तीन पॉइंट? ये तेरा क्या? अरे तू गलत दिया रे। ये जो डार्क लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे एक नंबर देना है। हाँ ये दिख रहा है, एक दो, तू बीच में दे रहा है। मिटा उन सबको। हाँ नीचे लाइन। अब इधर देखो कि एक्स एक्स वाई एक्सिस पे ये 5 पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे किस पे कट कर रहे हो? एक्स एक्सिस पे देखो, मेरे ग्राफ पे, मेरी इसमें मत देखो, मेरा गलत होगा वो। तुम अपने इसमें देखो, इस लाइन पे कहाँ पे कट कर रहा है? 5 पे कट कर रहा है, हाँ कि ना? अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पे पॉइंट दे दिया, अगर मेरे को इसका पता करना है कि कौन सा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, ठीक है, इसका क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो एक्स पे कितना दिख रहा है और वाई पे कितना दिख रहा है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया उसका? -4,3, हाँ कि ना? तो वैसे ही हमको पता करना है कि वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट रहा है। तो वाई कितना है? 5। तो एक्स कितना लूंगा मैं? 0, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, ऐसे क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या हो? एक्सिस पे आ रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो वाई क्या रहता है? 0 रहता है। और वाई एक्स एक्सिस पे आएगा तो एक्स क्या, वाई क्या रहता है? 0। अगर वाई पे है तो एक्स 0, और एक्स पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? 5,0, और इधर क्या हो गया है? 0,5। तो आंसर क्या लिखने का है? अच्छा, उसने ये भी बोला है कि कोलिनियर है, क्वेश्चन बोला था क्या कि कोलिनियर है कि नहीं? हाँ कोलिनियर तो है। क्या है? कोलिनियर। अपने को बस बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ, तो देखो आंसर लिखने का है। कोऑर्डिनेट पॉइंट एट विच लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 5,0 और 0,5। एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बस खत्म हो गया आंसर। फिर गलत ड्रॉ किया तूने। उसने पहला कौन सा पॉइंट बोला है? 2 से 3। 2 से 3 लिया है क्या? 2 कहाँ पे है और 3 किधर है? तो कहाँ पे आना चाहिए था पॉइंट? फिर कहाँ है तेरा पॉइंट पहला वाला? ये इधर लिया है तूने। मिटा वो लाइन को। समझो, फिर से ग्राफ पेपर में मार लो, पहले दूसरे ग्राफ पेपर में मारो डंडी पड़ापड़, दूसरे ग्राफ पेपर पे मारो डंडी सट 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 सट। वही कितना बोला है उसने दूसरा? -1। हाँ, और 6 किधर है? हाँ तो देख कहाँ पे आएगा। हाँ, आगे 0 कहाँ पे? और 5। हाँ दे। अरे 0 इधर है, 5 इधर है, तो यहाँ पे आएगा ना उसी के ऊपर। अरे उसी के ऊपर। हाँ अब तीनों से मिला के ऐसे सीधी लाइन खींच, तीनों पॉइंट से मिला के। ठीक है, ये लिख ले, नीचे लिख ले। वो फाड़ लिए, बस हो गया। लास्ट दोनों के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट वाले, कुछ भी नहीं करना है। हो गया आज चैप्टर ये।
फिनिश से फिनिश, हो गया। चलो बाद में लिख लेना उसकी कॉपी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ऑन द सेम सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट, मतलब जितने भी वो इक्वेशन, सब इक्वेशन है कि नहीं है बताओ, हाँ सब इक्वेशन है, वो सबके सब एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है, सबके सब कहाँ प्लॉट करना है, एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सबकी एक एक लाइन आएंगी कि नहीं आएंगी, और वो सब लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो तो वो पॉइंट हमको ढूंढना है, वो पॉइंट हमको ढूंढना है। पहले तो इधर देखो, पहला क्या दिया उसने पॉइंट, x प्लस फोर, प्लस फोर उधर जाके तो x माइनस फोर हो गया। दूसरा क्या दिया है, y माइनस वन, ये माइनस उधर जाके तो y की जगह क्या हो गया, नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, प्लस उधर जाके तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू मतलब माइनस 1.5 माइनस, और नेक्स्ट क्या है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाय, तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, कॉपी में लिख, फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है, समझे। तो पॉइंट माइनस फोर वन, 1.5 था, हाँ चलो, इधर दे दिया मैंने x, इधर दे दिया y, या y डैश, सॉरी x डैश स्केल ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया, अच्छा 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन होती है, तो 10 का मतलब कितना हुआ, 1 हुआ, अरे 1 सेंटीमीटर मतलब 1 ना, तो 10 का मतलब कितना हुआ, 1, तो 1 का मतलब, 1 लाइन का मतलब कितना हुआ, 0.1, हाँ कि ना, तो याद रखो एक, क्योंकि हमको कितना लाना है, 1.5, तो एक के, देखो एक लाइन मतलब कितना हुआ, 0.5, तो पांच लाइन मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी एक लाइन मतलब 0.1 हुआ ना, तो पांच लाइन मतलब 0.5, तो मतलब एक के आगे कितने लाइन गिनूंगा, तो 1.5 हो जाएगा, हाँ बस। हाँ हो गया, देखो पहला पॉइंट क्या बोला उसने, x x इक्वल टू कितना बोला है, तो ये है माइनस फोर, ऐसी लाइन आएंगी, ये मेरा क्या हो गया, x प्लस फोर इक्वल टू जीरो, क्या हो गया, x प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ऐसा इसी के ऊपर लिखना, x प्लस फोर इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्या लिखा है, y इक्वल टू वन, वन ये है, y माइनस वन इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट कितना है, x इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1.5, यहाँ पे आएंगे माइनस 1.5, और नेक्स्ट कितना है, y इक्वल टू 5,
अब देखो, हाँ उसने बोला था कि वो सब आपस में कहाँ कहाँ कट कर रही है ना, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, वो सब आपस में कहाँ कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं और यहाँ कट कर रहे, आपस में एक में को यही पे कट कर रहे ना। अगर मेरे को इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है तो देखो एक्स पे कितना है और वाई पे कितना है, वन है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, -4,1। अब इसका निकालना है, एक्स पे कितना है, -1.5, वाई पे, समझ रहे कैसे ले रहा हूँ, इधर देखो एक्स पे कितना है -4, वाई पे कितना है, तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हो लोग, -4,5, एक्स पे कितना है और इधर खत्म आंसर, समझा क्या कैसे लिए, हाँ कि ना, पक्का। अरे समझ रहा ना कैसे ढूंढा मैंने, यहाँ पे है, इधर देखना एक्स पे कहाँ कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, फिर वाई पे देखना वाई पे कहाँ कट कर रहा है, वन पे, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, -4, समझा। हाँ दिव्या, दिशा, यहाँ पे कहाँ पे कितने पे कट कर रहा है, यहाँ पे एक्स पे बताओ कितने पे कट कर रहा है और वाई पे, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, समझा, ऐसे ही ढूंढना है, समझा क्या, समझा। हाँ तो आखिरी में लिखना है इधर द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर -4,1, -1.5,1, -4,5 और -1.5,5, ये बना लिए ना, वो आंसर है। हो गया ना, उधर कहाँ बनेगा लाइन, समझा कैसे करना है, नेक्स्ट पट से मार लो जिसका हो गया, फिर से ग्राफ पे बना लो तीर तीर प्लस का साइन। अब देखो क्वेश्चन 9 में तीन है, कितने हैं, तो उसमें से मैं केवल एक बताऊंगा, बाकी तो होमवर्क है तुमको, ठीक है, ध्यान से समझना, एक बहुत आसान है यहाँ, ये तो सबसे इजी, अपने मर्जी से सब चीज करना है इसमें, हो गया, बनाए क्या तीर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है जिसका फर्स्ट वाला है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 2, हाँ कि ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, अब देखो यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी है, हरदम अभी हमको तो या तो एक्स आता था या तो, अब यहाँ पे दोनों दिया, अच्छा ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, छोटी लीनियर है, क्या बोलता है लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल, सही बोल रही हो, हाँ अरे सही बोल रही हो, लीनियर है लेकिन क्या बोलता है, कैसे पहचानते लीनियर इक्वेशन को, हाँ तो कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का कौन सा टाइप है, लिखा था ना मैंने कितने टाइप के इक्वेशन होते लीनियर वाले, हाँ हाँ तो कौन सा है भाई लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, कौन कौन? तो दो वेरिएबल हो गया नाला एक। कैसे पहचाना लीनियर इक्वेशन है? हाइस्ट पावर वन है। एक्स के भी सर पे कुछ नहीं मतलब क्या है, वाई के भी सर पे कुछ नहीं मतलब, अगर वाई के सर पे टू हो जाता तो लीनियर होता क्या? समझा? तो हाँ बैठो, इस समय हम लोग क्या करेंगे, इसमें या तो एक्स की वैल्यू अपने मर्जी से पुट करेंगे या तो वाई की। क्या? एक्स की अपने मर्जी से या तो, और किसी किसी को लगता कि मैं दोनों पुट करना चाहता हूँ, दोनों भी पुट कर सकते हो, बट हमेशा ऐसी वैल्यू रखना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर रखना। क्या रखना? जो आसान हो, जो क्या हो। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हमको क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू टू दिया है। पहले मैं सोच लेता हूँ कि मेरे को किसकी वैल्यू अपने मर्जी से रखना है, किसकी वैल्यू अपने मर्जी से। मैं सोच रहा हूँ y की रखूँगा, क्या रखूँगा? तो y प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो गया मेरा, और इसको दे दूंगा इक्वेशन। किसकी बोला मैंने अपने मर्जी से रखूँगा, इसलिए y को टू के साइड रखूँगा, फिर इनका प्लस माइनस करते जाऊँगा वैल्यू रखने के बाद। जैसे मान लो y की वैल्यू 1 रखा तो 2 में से 1 गया, तो y 1 रखा तो x भी कितना मिला, 1 मिला। बस वही सॉल्व करने का है। देखो पहला पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 0 से पहले स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करना? 0 से। 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0, तो x कितना हो गया, हुआ 2, हाँ कि ना। फिर सेकेंड पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, कितना रखा मैंने, 1, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया। फिर थर्ड है पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, कितना रख रहा हूँ मैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2, तो x कितना हो गया। अब लास्ट में ऐसा डब्बा भी बनाना है इसका, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इधर x, इधर y और इधर x कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट पॉइंट इसी फॉर्म में रहता है। पहले रखा था y मैंने कितना, 0, तो x कितना मिला था, तो पॉइंट क्या हो गया, 2, 0। पहले रखा था y कितना, तो x भी कितना मिला था, तो क्या पॉइंट हो गया, 1, 1। फिर y कितना रखना था, तो x कितना मिला था, तो पॉइंट क्या हो गया। देखो 2 रखा तो कितना मिला था, y कितना रखा था, तो x कितना मिला है, यही से पटका हूँ मैंने, ठीक है। फिर y कितना रखा था, तो x भी कितना मिला। अब ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए, अब इसको मैं कहाँ प्लॉट कर दूंगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। समझा कि नहीं, पक्का? चलो प्लॉट करना स्टार्ट करते। देखो ऐसा है, यहाँ x डैश, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ मेरा y डैश, यहाँ 0 आ जाएगा। स्केल क्या लूँगा मैं, ऑन बोथ एक्सिस, ऑन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, पहला कितना पॉइंट बोला है, अच्छा 1, 2, 3 -1, -2, -3 1, 2, 3 -1, -2, -3 पहला कितना बोला है, 2 इधर, 0 इधर, तो पॉइंट यहीं पे रहेगा, हाँ कि ना। नेक्स्ट कितना बोला है, यहाँ पे 1, 1, और नेक्स्ट कितना बोला है, फिर ऐसी एक लाइन खींच देना तीनों पॉइंट से, ठीक है। यहाँ लिखना 0, 2, यहाँ लिखना 1, 1, और यहाँ लिखना 2, 0, और यहाँ पे इक्वेशन का भी लिख देना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 2। खत्म आंसर। समझा? अरे समझा क्या कि नहीं, पक्का? इसी में का देखो सेकंड वाला, सेकंड ही देख लो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ग्राफ वगैरह तुमको ही बनाना है। क्या है, 3x - y इक्वल टू कितना बोला है, 0। कितना दिया, 3x - y इक्वल टू माइनस, उधर जाके तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो गया। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखूँगा, किसकी वैल्यू रखूँगा, ये x को दे दिया इक्वेशन नंबर। देखो पहले रखा x से जगह 1, क्या रखा x से जगह, तो 3 1 जा, तो y कितना मिल रहा है, 3। अब रखा है x के जगह, तो 3 0 था, तो y भी कितना हो गया, समझा। अब बोलेंगे भैया 0, 0 कहाँ आएगा, कहाँ पे आएगा, ओरिजिन, कहाँ पे आएगा। अब मैंने रखा x के जगह 2, x के जगह, तो 3 2 जा, तो y कितना हो गया, 3 पॉइंट आ गए।
खत्म। इसको कहा प्लॉट, अब इसका पहला क्या हो जाएगा मेरा 1.3, दूसरा क्या होगा 0.0, और तीसरा क्या होगा 2.6। समझा? हाँ कि ना? पक्का? नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 1। पहले तो इसको ये क्या करो, एक साइड किसी एक को रखो, y को रखता हूँ, x को उधर लेके चल जाता हूँ, y को रखता हूँ, x को y इक्वल टू प्लस उधर जाके, यहाँ पे अब किसकी वैल्यू मैं अपने मर्जी से रखूँ, x की, क्योंकि x इधर है, प्लस माइनस हो जाएगा। तो पहले हमेशा क्या रखना, शून्य, क्या रखना, तो पहला रखा मैंने x की जगह कितना, 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 0 था, तो सिर्फ y की जगह कितना बच गया, 1। अब सेकेंड x से जगह मैंने कितना लिया, तो यहाँ पे 1 रखा, 2 1 था, और 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -1, कितना बचेगा, फिर थर्ड लिया मैंने x से जगह, कितना लूँ, तो 2 2 था, तो y कितना हो गया, -3। खत्म, डब्बा बनाना, पुट करना आंसर। समझा? इसको नहीं समझा, एक्सरसाइज पक्का। हाँ अच्छा, अगर बताओ कोई लाइन है, कोई लाइन है जो 4 सेंटीमीटर दूर, 4 यूनिट दूर है, कितना यूनिट दूर है, एक्स एक्सिस से, किससे, वो भी बिलो है, एक्स एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, वो भी कैसा, बिलो है, और एक्स एक्सिस तो क्या, वो पैरेलल है, तो बताओ उस इक्वेशन का लाइन क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, किसको पैरेलल है वो, y = समझा कि नहीं, पक्का। अच्छा अगर अब और रहता तो क्या होता, y = 4, और x, y को पैरेलल रहता तो, मैंने बात लेफ्ट राइट बोला तो, x = 2, और राइट लेफ्ट बोला तो, समझा, हाँ कि ना, इसको रट्टा मार लो। अच्छा कोई अगर पॉइंट है, जैसे मैंने पॉइंट बोला 2, -3, क्या बोला, छोटी कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड आएगा, हाँ छोटी कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड, हाँ ज्योति कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ, एक्स प्लस है और वाई प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ में आता है, मैंने लिखा -2, -3, हाँ छोटी कौन सा क्वाड्रेंट, क्या पेन पन्ने पर डाल रहे हो, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, हाँ कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, हाँ फर्स्ट, फोर्थ, अरे सेम ही तो है, क्या फर्क है, इसका भी साइन प्लस माइनस, इसका भी साइन प्लस माइनस, हाँ कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट गलत है, हाँ वाई एक्सिस पे आएंगे, क्योंकि एक्स क्या है इसका, जब भी अगर कोई एक भी जीरो रहा तो क्वाड्रेंट में आता नहीं है, एक्सिस पे लाया होता है। अब बोलेंगे कैसा, तो एक्स जीरो है तो वाई पे दौड़ेगा, वाई जीरो है तो, और दोनों जीरो है तो भैया ओरिजिन पे कहाँ जाएगा, समझा कि नहीं। इसके अलावा कुछ पढ़े क्या इस चैप्टर में, नहीं, इक्वेशन और ये खत्म, समझा कि नहीं, बाकी का अपन बाद में देखते हैं।